गुड इवनिंग सभी को और वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? गाइज, आज की जो क्लास है वो थोड़ी स्पेशल है, बिकॉज TGT स्पेशल क्लास है ये। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि TGT का ज़्यादा मटेरियल रखें या फिर TGT के ज़्यादा क्वेश्चंस रखें। तो गाइज, TGT का देखिए, TGT का जो भी है पूरा का पूरा PGT के लिए तो 100% वो हेल्पफुल रहने ही वाला है। बाकी जो PGT का होता है वो PGT के और TGT के जो मिक्स में सेशन देती हूँ वो भी 80% तो TGT के लिए है। 20% हो सकता है थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन हो, लेकिन 80% वो TGT के लिए होता है। और बात करें TGT स्पेशल की तो वो PGT के लिए भी 100% हेल्पफुल है। बाकी भी कोई एग्जाम है, DT+B, LT ग्रेड हो गए, सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल है। तो देखते हैं कि क्या खास है आज के सेशन में। अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए बस चैनल को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और लाइक शेयर वीडियो को करना है, बस इतना ही आपको करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या खास है आज की हमारी क्लास के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो यहाँ पर आपको, मुझे लग रहा है कि जो आपका सेशन है ये थोड़ा इजी भी रहने वाला है, बाकी जो मेरे आते हैं उनसे इजी रहेगा थोड़ा सा। तो देख लेते हैं कितना इजी है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस द फिगर ऑफ स्पीचेस, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर होनी चाहिए। गाइस देखिए, यहाँ पर विरोधाभास है, दो सेंटेंसेस हैं, और विपरीत, अगर विपरीत जो साइड बाय साइड अगर दो टर्म्स होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर तो आपका ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दो अपोजिट सेंटेंस हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। तो जैसे मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, तो ऐसी सिचुएशन में होता है एंटीथीसिस, ठीक है। यू मे एड्रेस द चेयर, द फिगर ऑफ स्पीचेस। तो यहाँ पर गाइस कहा जा रहा है कि आपको चेयर को एड्रेस करना चाहिए, यानी कि एड्रेस चेयर नहीं है, चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, समझ रहे हैं आप, चेयर नहीं है, चेयर पे बैठा व्यक्ति है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा होता है जहाँ पर आप लोग जो है किसी और टर्म से किसी को चीज़ को डिनोट करते हैं, मतलब उससे रिलेटेड कोई टर्म होती है उससे आप उसको रिलेट करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में होता है मेटोनिमी, ठीक है। मेटोनिमी होता है और सिनेकडकी, ये दोनों सेम होते हैं, बट डिफरेंस बस ये होता है कि पार्ट टू होल टू पार्ट होता है सिनेकडकी में, और मेटोनिमी में होता है उससे रिलेटेड कोई वर्ड है तो उसी से हम अटैच करके उस वर्ड से हम लोग जो है दूसरी चीज़ को सेट कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका मेटोनिमी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ए ऑप्शन होगा हमारा। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, केवल एक मुट्ठी कॉइन्स के लिए, सिक्कों के लिए उसने हमें छोड़ दिया है। तो द फिगर ऑफ स्पीच इज हियर, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी यहाँ पे, सिनेकडकी, लाइटोडिस, पन या एपिग्राम। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर यहाँ पे गाइस, सिल्वर कहा गया है सिक्कों को, यानी कि कॉइन्स को, तो यहाँ बात आ जाती है सिनेकडकी। देखिए यहाँ सिनेकडकी है, उसमें आपका मेटोनिमी था। लीव्स डांसिंग, देखिए लीव्स डांसिंग गाइस, लीव डांस नहीं करती हैं, आपको पता है कि लीव डांस नहीं करती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे पहला जो टर्म है जैसे लीव है, तो वो आपकी कैसी हो जाती है, निर्जीव हो जाती हैं, और जो डांसिंग है वो यहाँ पे एक मैन की सेंस में दे दिया जाता है उसको। तो ऐसे सिचुएशन में होता है पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी, ठीक है ना। अपोजिट दो चीज़, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ ना, तो दो चीज़ होती है हमारे पास, देखिए एक होता है पैथेटिक फैलेसी और एक होता है ट्रांसफर एपिथेट। ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन गाइज ये होती है कि पैथेटिक फैलेसी में जो पहली टर्म होगी वो हमारी होगी, क्या क्या होगी, वो होगी आपकी निर्जीव, यानी कि लाइफलेस होगी, और दूसरा जो टर्म होगा उसके साथ वो होगा आपका लाइफ के साथ। लेकिन एपिडेट, ट्रांसफर एपिडेट में क्या होता है कि वहाँ पर जो पहली चीज़ है वो तो आपकी होगी मैन से रिलेटेड, ठीक है, जीवित चीज़ों से रिलेटेड होगी, बाकी जो सेकेंड टर्म होगी वो आपकी होगी किससे रिलेटेड, वो आपकी निर्जीव होगी, यानी कि लाइफलेस थिंग होगी। तो यहाँ पर ये बस अपोजिट होता है पैथेटिक फैलेसी में। तो यहाँ देखिए पहली टर्म लीव है यानी कि निर्जीव है, तो डांसिंग कौन करता है, व्यक्ति करता है डांस, तो यहाँ आपका पैथेटिक फैलेसी बनेगा। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इज़ अ नॉबल गॉर्जियस लैंड टीमिंग डैश नेचुरल वेल्थ। गाइस इंडिया एक नॉबल गॉर्जियस लैंड है टीमिंग, किस चीज़ को रखते हुए, क्या चीज़ है, विद नेचुरल वेल्थ, है ना, विद नेचुरल वेल्थ, प्राकृतिक संपदा रखते हुए या प्राकृतिक संपदा के साथ। वेयर शैल वी थ्री मीट अगेन, ये लाइन बहुत फेमस है और इसको पढ़ते ही आप लोग समझ गए होंगे। तीन चुड़ैलों की बात कहाँ पे होती है, मैकबेथ में होती है। पहला ही जो तीन चुड़ैलों की वार्तालाप से ही ये जो हमारा प्ले है ये शुरू होता है, तो वो बात कर रही होती हैं वहाँ पे, और कि वेयर सेल वी मीट थ्री अगेन, थ्री मीट अगेन, तो ये जो है मैकबेथ की है, मैकबेथ एक्ट फर्स्ट का ही ये लाइन है।
हु इज़ द कंटेम्पोररी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के जो कंटेम्पोररी हैं यहाँ पे कौन है? क्या रॉबर्ट सदी, सर वाल्टर स्कॉट, विलियम हैजलिट या फिर एसी स्विनबर्न? तो गाइज यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा एसी स्विनबर्न होगा. क्या होगा? एसी स्विनबर्न, यानी कि ऑप्शन डी. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग? आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे प्लेज के अंदर क्रॉस ड्रेसिंग है, जैसे रोमियो और जूलियट हो गया, उसमें क्रॉस ड्रेसिंग है. आपका ट्वेल्थ नाइट में भी क्रॉस ड्रेसिंग है, और आपके कई सारे ऐसे प्ले हैं, एज यू लाइक इट में भी क्रॉस ड्रेसिंग है, तो काफ़ी सारे में आपको मिलती है. तो यहाँ पर बस एक प्ले है जिसमें नहीं है, यहाँ पर जूलियस सीजर है गाइस, जिसमें नहीं है. रोमन प्ले में आता है, तीन रोमन प्ले लिखे थे इन्होंने, कोरियोलेनस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर. अगर रोमन प्ले पूछा जाए तो यही तीन रोमन प्ले हैं, इनमें से कोई सा आपको देना है. तो यहाँ एज यू लाइक इट में भी क्रॉस ड्रेसिंग है, रोजलिंड और वो जो बन जाती है ना एक लड़के का रूप, यहाँ पे ले लेती है. सिम्बेलिन में भी है और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी है, जूलियस सीजर में नहीं है. विच कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द अर्थ? तो कौन सा कैरेक्टर अर्थ से रिलेट करता है? गाइज एरियल जो है, एरियल किस में है? टेम्पेस्ट में है एरियल. ये एक फेयरी है जो किसके साथ है, ये आपको मिलती है जो प्रोस्पेरो है उसके साथ में रहती है ये. और शेक्सपियर का जो पक है, पक कहाँ पर मिलता है आपको? पक बॉटम वगैरह, निक बॉटम, ये सब आपको मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलते हैं. तो ये भी फेयरी है. ये जो कैलिबन है ये फेयरी नहीं है, बल्कि ये अर्थ पे रहने वाला है, बल्कि ये आधा इंसान और आधा फिश है, ये इसका जो है स्ट्रक्चर है. ठीक है. This is the book which began as early as 1799 and finished its version in 1805 but was not published until 1850. ये एक बुक है जो 1799 में लिखना शुरू हुई थी, 1805 में ये पूरी हो गई, लेकिन ये 1850 तक भी पब्लिश नहीं हो पाई. तो ये बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्ड्सवर्थ रिलेटेड क्वेश्चन है तो बहुत बार आपको बता चुकी हूँ गाइज. ये प्रिल्यूड की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन में ही हम लोग जाएंगे. रेक्ल्यूज तो आई थिंक 1814 में आया था, और आपका ये लिरिकल बैलेट जो है ये आपका 1798 में आया था पहली बार. फिर तो फोर वर्जन आए हैं इसके. चलिए करेक्ट स्पेलिंग बतानी है अल्केमिस्ट की. अल्केमिस्ट की आपको बतानी है करेक्ट स्पेलिंग. क्रिस्टोफर ये अल्केमिस्ट है किसका? क्रिस्टोफर मार्लो का है क्या गाइस? मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप? चलिए बताना मुझे अल्केमिस्ट किसका है, बहुत फेमस वर्क है. तो देखते हैं कि अल्केमिस्ट की सही स्पेलिंग क्या है गाइस. अल्केमिस्ट की जो सही स्पेलिंग है वो यहाँ पे आई थिंक बी ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है, बी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो हाँ, बी ही है. मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है इसमें. इरिवोकेबल बिल्कुल सही है, लोकेशियस बिल्कुल सही है, ऑबनॉक्सस बिल्कुल सही है, बल्कि ये जो डी ऑप्शन है पेनेसिया, पेनेसियस की स्पेलिंग होती है PANACEA, ये होती है पेनेसिया. पेनेसिया होता है रामबाण, मतलब हर बीमारी का इलाज, सारी बीमारियों का जो इलाज होती है उसको हम पेनेसिया कहते हैं. ये ना मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं वॉयस आपको आएगी या नहीं आएगी आज भी इसमें. चलिए देख लेते हैं, बाद में पता चलेगा वो तो. फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन. आपको यहाँ पर सही तरीके से पंक्चुएटेड वर्जन बताना है. तो देखिए सेंटेंस को पढ़िए. माय सिस्टर सुनीता. सुनीता में यहाँ एस कैप नेम है तो एस कैपिटल होना चाहिए, ये भी रॉन्ग है. ठीक है, ये रॉन्ग है आपका. माई सिस्टर सुनीता हैज़ गॉन, यहाँ पे कोई पॉज ही नहीं है, कोमा ही नहीं है, ये भी रॉन्ग है. माई सिस्टर सुनीता हैज़ गॉन टू दिल्ली, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये डी भी रॉन्ग है. ही सेड टू मी, ये मी है गाइस, सॉरी टाइपो है, मी. ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू गो विद यू टूडे. वर्ड इज सेड टू. आपको पता है कि जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच या फिर वर्ब कह दीजिए. और जो ये पार्ट होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ जो बात हो रही है वो सेट टू की बात हो रही है. सेट टू क्या है यहाँ पे? क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है या फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है? क्या है सेट टू? तो इसका आंसर आपका बनेगा गाइज रिपोर्टिंग वर्ब, राइट. चलिए सी ऑप्शन पे जाएंगे.
मिसोलॉजिस्ट क्या होता है? क्या हेटर ऑफ लर्निंग और रीजनिंग होता है, हेटर ऑफ वोमेन काइंड होता है, हेटर ऑफ मेल्स होता है, या फिर हेटर ऑफ मैन काइंड होता है? गाइस, जो ये आपका मिसोलॉजिस्ट होता है, ये हेटर ऑफ मेल्स होता है, यानी कि आदमियों से जो नफरत करता है वो होता है ये, राइट? चलिए, न्यूमिसमेटिक्स का बताइए। न्यूमिसमेटिक्स द स्टडी ऑफ टिकेट्स, नहीं, ये तो फिलैटलिस्ट होता है गाइस। टिकेट और स्टैम्प वगैरह की मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे फिलेटलिस्ट, जो टिकट और स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। और कॉइन्स का होता है न्यूमिसमेटिक्स, ठीक है गाइस, कॉइन्स का होता है। चलिए, आपको बताना है एंटोनिम ऑफ डेफिसिट, इसका एंटोनिम बताना है डेफिसिट का। तो गाइस देखिए, डेफिसिट होती है अधिकता या आपूर्ति, तो यहाँ पे शॉर्टेज का मतलब तो कमी होता है, डेफिशिएंट का मतलब भी कमी होता है, और स्केयरसिटी भी कमी होती है। लेकिन ये जो सरप्लस है, डेफिसिट होती है कमी, राइट, कमी होती है। तो शॉर्टेज, डेफिशिएंट और स्केयरसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे इसको सिनोनिम होंगे। जबकि जो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब होता है आपूर्ति, अधिकता, तो ये इसका हो जाएगा एंटोनिम, राइट। चलिए नेक्स्ट है, पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ फुल ऑफ प्रेज इज एज नोन एज, ये पीस नहीं है, ये पी आई ई सी ई एन, यानी कि पार्ट। ये पीस तो शांति वाला हो गया है ना, शांति वाला हो गया, ये यहाँ पे बात हो रही है आपकी पीस, पी आई ई सी, ठीक है, पीस, टुकड़ा। तो एक राइटिंग का एक ऐसा टुकड़ा जो फुल हो बिल्कुल प्रेज से, मतलब किसी की प्रशंसा में उसको लिखा गया है, किसी की प्रशंसा लिखी गई है उस पोर्शन में, तो उसको क्या कहते हैं, क्या एडमायरेशन है, पैनेग्रिक है, हेडोनिस्टिक, या फिर फेरी एयरी, क्या है? तो ये जो है आपका पैनेग्रिक हो जाएगा। याद रखिए, किसी की भी जो मतलब एक तरीके से प्रेज से फुल जो कोई पार्ट होता है लिखा हुआ, उसको कहते हैं हम पैनेग्रिक। गाइज, ये आने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे टीजीडी के अंदर। तो यूज़ ऑफ पब्लिक मनी फॉर ऑन बेनिफिट, अपने खुद के फायदे के लिए जो पब्लिक की मनी का यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या वो मैटरलिस्टिक है? नहीं, भौतिकवादी होते हैं मैटरलिस्टिक। यूटिलिटेरियन क्या होते हैं? यूटिलिटेरियन भी ये भी नहीं होगा इसका, यूटिलिटेरियन भी अपना अलग तरीके के लोग होते हैं जो अपना अलग ही कुछ मानते हैं, रूल्स वगैरह। और दूसरा हो जाता है पैक्यूलेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, पैक्यूलेशन जो है अपने खुद के फायदे के लिए पब्लिक मनी का यूज़ करना। ही एडवाइज्ड मी टू कीप टू द लेफ्ट, तो यहाँ जो है आपका ये इनडायरेक्ट है, तो कौन से का डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है सेंटेंस, आपको इसका डायरेक्ट बताना है। तो यहाँ जो होगा पहला ही ऑप्शन है गाइज, यानी कि ही सेड टू मी कीप टू द लेफ्ट, ओके, क्या, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, तो यहाँ पे एडवाइस्ड इसलिए हो गया है। करेक्ट स्पेलिंग, तो एंटीसीडेंट होगा, ये एंटीसीडेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। तो गाइस एंटीसीडेंट में देखिए, यहाँ जो ये तो हाँ, एंटीसीडेंट में याद रखिएगा तीनों ही बार ई आता है, यानी कि एंट, ई सी ई और डी ई एन टी, ई सी ई डी ई एन टी, मतलब तीनों के तीनों बार ई होना चाहिए, वही होगा एंटीसीडेंट। कॉर्पुलेंस, कॉर्पुलेंस का एंटोनिम बताना है क्या होता है। कॉर्पुलेंस का ओवरवेट होता है, नहीं, ओवरवेट बहुत भारी, जिसमें वजन बहुत ज़्यादा हो। स्टाउटनेस होता है एक तरीके से हैवी बिल्ड, यानी कि जो एक तरीके से हट्टे कट्टे जो लोग होते हैं, यहाँ वजन से मतलब नहीं है। ओवरवेट तो बहुत ज़्यादा वेट, फैटी हो गए, फैटी लोगों को कहा जाएगा। स्टाउटनेस होता है एक तरीके से बहुत ही एक तरीके से मतलब सठे गठे शरीर वाले, है ना, गठा हुआ शरीर होता है। और स्लैकनेस होता है एक तरीके से जो थोड़ा कम काम करे, कम मतलब लेस एक्टिव, फुर्तीला ना हो बिल्कुल भी, है ना, थोड़ा बहुत धीरे धीरे काम करने वाला। स्लेंडर होता है पतला, दुबला पतला स्लेंडर होता है। तो यहाँ पूछा है इसका जो कॉर्पुलेंस, तो कॉर्पुलेंस का मतलब भी गाइज मेरे हिसाब से होना चाहिए क्या, एंटोनिम पूछा है ना, कॉर्पुलेंस भी होता है भारी भरकम, तो यहाँ स्लेंडर हो जाएगा, यानी कि दुबला पतला, ठीक है, पतले से जो होते हैं उनको स्लेंडर कहते हैं। अ पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, ऐसा आदमी जो आर्ट या लिटरेचर्स को जो है पसंद नहीं करता है, तो उसको निहिलिज्म, नहीं, निहिलिज्म होते हैं जो लोग किसी भी बिलीफ या फिर किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी एक तरीके की जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उनको नहीं फॉलो करते हैं, उनको हम निहिलिज्म कहते हैं उस तरीके को।
इसका आंसर होगा फिलिस्टाइन, यानी कि जो फिलिस्टाइन होते हैं वो आर्ट और लिटरेचर को पसंद नहीं करते हैं, तो यही इसका आंसर है। सोमनलोक्विस्ट होता है, सोमनलोक्विस्ट, सोमन का मतलब होता है स्लीप, ठीक है, इससे मतलब लगा लीजिए अपने लोक्विस्ट, और लोक्वी का मतलब होता है बात करना, बोलना, तो जो स्लीप में बोलते हैं, जो स्लीप में टॉक करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग सोमनलोक्विस्ट। तो क्राइज से भी वही मतलब हो गया। तो वन हु वॉक्स इन स्लीप, ये थर्ड का जो है जो स्लीप करते हैं, स्लीप में वॉक करते हैं, उनको कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। क्या कहते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट उनको कहते हैं हम। किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर, खुद की बहन को मार देना, खुद की बहन को मार देना, पैरिसाइड नहीं, पैरिसाइड तो पेरेंट्स की डेथ को कहते हैं सर, पेरेंट्स की किलिंग को कहते हैं, पेरेंट्स या फिर कोई और रिलेटिव, ठीक है, कोई रिलेटिव या पेरेंट्स। मैरिसाइड मदर से हो जाता है, मदर की किलिंग को कहेंगे। फ्रेट्रिसाइड ब्रदर की किलिंग को कहते हैं, ब्रदर की किलिंग को कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन, यानी कि सोरोसाइड जो है वो सिस्टर की किलिंग को कहते हैं। तो गाइस यही थे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, प्लीज़ गाइस लाइक करना ज़रूर बनता है, और ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करूँ। थैंक यू, वो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय।